everyone, welcome to my channel Steady Junction, and in this video I am going to solve question number 5 for you all from exercise 1.1 of your chapter real numbers for class 10 maths. So basically last question jo kiya tha wahan par square likha tha and is question mein hume cube diya hua hai, to zyada kuch change nahi hai, bas hume same steps follow karne hai but unki cubing karni hai. So basically मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो लेस देन बी. बी क्या है? डिवाइजर. इतनी चीज आपने पहले लिख देनी है. अब यहां पर क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले b को कंसीडर करोगे. यहां पर हमारे पास b क्या रहेगा? 3. ठीक है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमारे पास डिवाइजर क्या रहेगा? 3. तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो रहेगी 3q प्लस r, और यहां भी पुट कर देते हैं r लेस देन 3. इतनी बात समझ आई? हमने डिवाइजर को 3 लिया एंड उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दी. बस इतना काम हमने किया है. अब हम 3 केसेस लेंगे. ठीक है, आर की पहले वैल्यूज क्या हो सकती है? लेस देन 3 है तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. तो अब इन्हीं 3 केसेस को हम कंसीडर करेंगे. ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? या तो अब हम आर की वैल्यूज पुट करें 3q, या ए की वैल्यू हो सकती है 3q प्लस 1, या ए की वैल्यू हो सकती है 3q प्लस 2. ये 3 वैल्यूज में से होगी. सबसे पहले केस 1 को कंसीडर करेंगे. केस 1 में क्या करना है? क्यूबिंग बोथ साइड्स, a इज इक्वल टू 3q, इनका क्यूब कर देंगे. सो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब. राइट, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 9 3q क्यूब. इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको. तो अब क्या कर सकते हैं हम, इस पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे m, इसकी वैल्यू पुट करेंगे. राइट, यहां पर क्यूब नहीं आएगा, 9 3 27 q, यहां पर आएगा q के ऊपर क्योंकि q क्यूब है. तो ये हो जाएगा 9 3 27 q क्यूब. बस हमने इसे ब्रेक करके लिख दिया है और हमने 3 q क्यूब को हमने क्या कंसीडर किया है, क्योंकि m एक इंटीजर है तो यहां हम लिख देंगे m इज इक्वल टू 3q क्यूब. हमने बस इतनी चीज को कंसीडर किया है और यहां पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 9m. क्वेश्चन में हमें 9m बताना था. केस 2 पे चलते हैं. केस 2 में हमें सेकंड चीज की क्यूबिंग करनी है, वो है 3q प्लस 1. इसको क्यूब करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब. नाउ a क्यूब किसके इक्वल होगा? 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1. यहां बेसिकली मैंने a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी है. यहां से इन तीनों में से मैं 9 को कॉमन ले सकती हूं. 9 को कॉमन लेकर क्या बचेगा अंदर? 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1. ये चीज आ रही है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m. इस चीज को हमने कंसीडर कर लिया, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1. 1 भी तो बचा है ना. ये चीज समझ आई? ये हमारा था केस 2. केस 3 में क्यूबिंग करते हैं. लेट्स स्टार्ट. केस 3 में क्या है? a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब. क्या आएगा? a क्यूब किसके इक्वल आएगा? 27q क्यूब के प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8. इतनी बात आई? अब यहां से भी हम 9 को कॉमन ले लेते हैं. अगेन सेम स्टेप्स, 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 बचा बाहर. ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे m, वेयर m इज एन इंटीजर. 9m प्लस 8, थर्ड वैल्यू भी आ गई. ब्रैकेट में लिख देंगे हम m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q. बस इतना सा काम था हमारा. राइट, तो इतना सा हमारा काम था यहां पर. और हम लिख सकते हैं एंड में यहां से स्टेटमेंट उठाकर
ठीक है. इट इज प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8. बस क्यूबिंग करनी थी सबकी. हमने डिवाइजर को चूज किया, फिर हमने रिमाइंडर में वैल्यू पुट कर दी उसकी, एंड वैल्यूज पुट करने के बाद ही हमारे पास ये सब आता गया. सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो एंड आपको क्लियर हो जाएगा. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं लर्निंग मैथ्स. सो आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. Yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah.